ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 15 नवंबर 2022। आज की मुरली के सार में बाबा ने ग्रहण अर्थात दुखों से छूटने के लिए कहा, विकारों का दान देना है, दान देने के बाद याद में रहने का भी पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी और योग अग्नि से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। जैसे सोने को अग्नि में डालने से ही खाद निकलती है, ऐसे आत्मा को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली याद में रहना है। और आज बाबा ने तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि व धारणाएं बताई कि बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है, सब पर ज्ञान जल के छींटे डाल सबको शीतल बनाने की सेवा करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। फिर कहा, झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलती है। और कहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना समय बाबा की याद में सफल करना है, अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो मुफ्त अपना पद गंवा देंगे। फिर कहा, बाप टीचर सतगुरु का काम होता है ताकीद व पुरुषार्थ कराना, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बाबा कहे, ऐसे नहीं समझना है कि बाबा तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन बाबा सन्मुख आए हैं तो सन्मुख सब समाचार देना है, तो सावधानी भी मिलेंगी। फिर कहा, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है, बाबा को सब सच सच बताना है। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज वरदाता बाबा कहे, मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। आज मुरली में प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है, शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्र माला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेंगी। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। बाबा कहते हैं, कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। बाबा कहते, हाँ विघ्न बहुत पड़ेंगे, आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते, विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अर्थात अंदर विकारों की युद्ध चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा है, द्रौपदी एक नहीं। बाबा कहे, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है, चीर उतारते हैं, यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, यह है विशेष दुनिया रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पिटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं,
तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ करम अकरम विकरम की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। विकरम करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। पहले तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतित को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरे। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहे भल कोई पांच विकार दान में देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। बाबा कहते हैं विकार दान में देने से इस जन्म में कोई विकर्म नहीं होगा, लेकिन पिछले जो जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं, वो तो योग से ही क्लियर होंगे, चुप्त होंगे। तुम पांच विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा है वह कैसे चुप्त होगा। उसकी युक्ति है जब तक जीना है बाप की याद में रहना है, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएंगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे, सोने को अग्नि में डालने से खाद निकल पड़ती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए जल्दी, योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए। बाबा कहते परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएंगी। तुम श्रीमद से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसी को मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं, जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग में भी जो अच्छे अच्छे राजाएं हो गए, उनकी अभी तक भी जीवन चरित्र की महिमा सुनते हैं। तो सतयुग में पहले नंबर में राजा रानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्र में गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबर वार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह जाड़ वृद्धि को पा रहा है, फल भी जरूर पकेगा। जाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब जाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, अर्थात पावन बन रहे हैं, संपन्न बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं। कोई पूरा पकते हैं, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती हैं,
बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसी को पता नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता, अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता की एक रत्न लागे वार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकिद अर्थात पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होंगी। बाबा कहते हैं बच्चे कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होंगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को पहले से ही सावधानी देता हूँ, वार्निंग देता हूँ। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरु दिखाते हैं, मेरु विष्णु अर्थात युगल रूप, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बात छोड़ दो, बाबा दुख हरता सुख करता है। बाबा कहे अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तोबा तोबा करते हैं, अर्थात कोई गलती होती है तो परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसी की दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। शिव बाबा बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कमबख्ती कहेंगे, यहाँ किसी का भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ। यह ब्रह्मा बाबा तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह जन्म मरण में आने वाला है, तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है, शिव बाबा ने कहा है इनसे ब्रह्मा बाबा से मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा, फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको ब्रह्मा बाबा को सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा, बाकी घर में बैठ समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सन्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब तो फिर सावधानी मिलेंगी। बाबा कहते हैं जब सन्मुख आया हूँ तो सुनाना भी सन्मुख होता है ना। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है,
बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह शिव बाबा करेंगे, यह ब्रह्मा बाबा नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, बाबा कहे, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो, समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है, यह ज्ञान गुप्त है। बीज जाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है, यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए, अर्थात त्रिमूर्ति का चित्र रखना चाहिए समझाने के लिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या, यह तो सृष्टि चक्र की बात है। बाबा कहते तुमको डरना नहीं चाहिए, गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, अर्थात योग युक्त युक्ति युक्त सेवा करनी है, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है, थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं। बाबा कहे दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किसम किसम से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है, हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। बाबा कहते हैं अभी तो बहुत सारी सेवाएं बाकी हैं, हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं, वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरा, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज के दिन का प्यारे बाप दादा का वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं, रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह अभिमान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएंगी, जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत कहा जाता है। आज का स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।